गाजियाबाद में पहले चरण में चुनाव हो गए थे, लेकिन चुनावी सरगर्मी यहां अभी तक बनी हुई है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में अनाज मंडी में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। हालांकि सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ईवीएम पर पहरा देने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। गाजियाबाद में प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था वह 10 फरवरी को हुआ था। 10 फरवरी शाम के बाद ही आप देख सकते हैं ये विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं जहां पर ईवीएम रखी गई हैं वहां पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं आखिर यहां पर बैठने का इन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस पार्टी को पार्टी सपोर्टर है, सबसे पहले बताइए। हम समाजवादी से हैं, पंडित अमरपाल शर्मा साहिवाद विधानसभा 55 से। हमारा कर्तव्य है, हम देख रेख कर रहे हैं अपना। क्या देख रेख कर रहे हैं? ईवीएम पे भरोसा नहीं है आपको या प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? प्रशासन पे भी भरोसा है, ईवीएम पे भी भरोसा है, लेकिन अपना मन है उसको संतुष्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है इनकी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है ये लोग बिल्कुल इस पर आंखें गड़ाए रखते हैं कि ताकि यहाँ पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कोई भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि ये पल पल की चप्पे की नज़र यहाँ पर रखते हैं। गाजियाबाद की तमाम विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके ये कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पर डटे हुए हैं 10 फरवरी से। और यहाँ पर प्रशासन ने कैमरे भी लगाए हुए हैं, 32 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका यही कहना है कि प्रशासन पर तो हमें भरोसा है, लेकिन हाई कमांड का आदेश है कि आपको यहाँ से घर 10 मार्च के बाद ही जाना है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी तसल्ली के लिए ईवीएम को सुरक्षित रखने का काम, उस पर पहरेदारी कर रही हैं, तो चुनाव प्रचार में भी जुटी हैं। यूपी में कल 5वें चरण का मतदान होना है। प्रचार का शोर थम चुका है और अब पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए तकरीबन 1,00,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल 5,080 बूथों पर वोट डाले जाने हैं। अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। में 5वें चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं। संगम नगरी प्रयागराज समेत जिन जिलों में कल मतदान होना है वहां प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 4 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। प्रयागराज में विधानसभा की सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं, सबसे ज्यादा 46,00,000 से ज्यादा वोटर यहाँ पर हैं, लिहाजा मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड में। आमतौर पर हम यहाँ देखते हैं कि जब कुंभ और माघ का मेला लगता है तब यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ आज लोकतंत्र का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 5,080 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर एक एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, 3-3 सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तो अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 1,00,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन 1,00,000 कर्मचारियों को आज 4 अलग अलग जगहों से इनके पोलिंग बूथों पर पोलिंग सेंटर्स के लिए रवाना किया जा रहा है। उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इन जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, कर्मचारियों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो ईवीएम है उन्हें जो है यहाँ से पोलिंग ऑफिसर्स के थ्रू जो है वो पोलिंग सेंटर्स पर भेजा जा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर मतदान कम होता है, लोग मतदान में कम दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे में जो 1,00,000 कर्मचारी लगे हुए हैं उनके सामने ये भी चुनौती है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं।